आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। रीवा जिले के हनुमाना से सीधी मार्ग में स्थित टोल प्लाजा के कार्यालय से 3,30,000 रुपए कैश चोरी हो जाने से कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। दरअसल चोर कोई और नहीं बल्कि टोल प्लाजा का चौकीदार ही निकला है, जो अपने साथियों के साथ चोरी करते कैमरे में कैद हो गया है। पुलिस ने चौकीदार सहित 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। सर, यहाँ ये कर्मचारी हैं अंकित सिंह पटेल करके, इनके द्वारा उसमें प्लानिंग करके पूरा चोरी किया सर। यहाँ अंदर आके ताला तोड़ के अलमारी में पूरा कैश ले गया था सर। कितने की चोरी हुई? 3,30,820 रुपये। अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? पुलिस वाले अरेस्ट किया था उसी दिन, कल अरेस्ट किया था 3 लोग का। कितने लोग अरेस्ट हुए हैं? 3 लोग हैं। 3 लोग अरेस्ट जी। कैश भी बरामद हुआ? कैश लगभग 1,60,000 रुपये रिकवर हुए हैं और बाकी वाली आज रिकवर करेंगे जो होने वाले। दरअसल ये घटना हनुमाना थाना के सीधी रोड स्थित जीआरबी कंपनी के नवागांव टोल प्लाजा की है। बताया गया कि बीते दिवस टोल प्लाजा के कार्यालय की आलमारी से 3,30,000 रुपए कैश चोरी हो गए थे। घटना की जानकारी जैसे ही टोल प्लाजा के कर्मचारियों को लगी तो हड़कंप मच गया। सीसीटीवी कैमरा चेक करने पर पैसा चुराते आरोपी कैद हो गए थे। तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड टोल प्लाजा का चौकीदार अंकित सिंह बताया जा रहा है। बताया गया कि घटना दिनांक की रात वह हस्ताक्षर करने कार्यालय में गया था। बाद में बाहर निकलते समय उसने दरवाजा बंद नहीं किया। मौका पाकर उसके दो साथी अंदर घुसे और रुपए लेकर चंपत हो गए। फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जिनके कब्जे से चोरी किया गया कैश बरामद कर लिया गया है। कल रिपोर्ट हुई थी टोल प्लाजा में 3 लाख कुछ की चोरी हुई है। उस संबंध में कुछ संदेह के नाम आए थे तो उनको पकड़ के लाए हैं और पूछताछ भी किए हैं। पूछताछ में कुछ माल भी बरामद हुआ है। इस संबंध में अभी फिलहाल में जांच चल रही है। कितने लोग संदेह में? 3 लोग संदेह में हैं। तीनों लोगों से मतलब चोरी कितने की हुई थी? चोरी 3,30,000 कुछ की हुई। कुछ माल बरामद हो गया है, उसकी और पूछताछ चल रही है। देखें आगे और क्या होता है, तब तीस में चलेगा पता जांच में।